नमस्कार, आज हम एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन और नेचर एंड फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। ये डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ए साइमन। तो हर्बर्ट ए साइमन ने जो ये डेफिनेशन दी है उसमें है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ग्रुप की एक्टिविटीज़ है, आपस में एक्टिविटीज़ हैं जो कि कोऑपरेटिव एक्टिविटी है, और उसका मेन मकसद क्या होता है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गोल या ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनको एकम्प्लिश मीन्स प्राप्त करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ हुआ कि ग्रुप की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो कोऑपरेटिंग रहती हैं टू प्राप्त करने के लिए कॉमन गोल्स को। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फिफनर एंड प्रेसस। इन्होंने डेफिनेशन दी है एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायर्ड एंड्स। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ह्यूमन जो व्यक्ति वहाँ पर काम करते हैं और मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं उनका आपस में ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस तरह से सेट होंगे वहाँ पे, और उनका डायरेक्शन, और उनको डायरेक्शन देना कि कोई काम किस तरह से करना है टू अचीव डिज़ायर्ड एंड्स, एंड्स को प्राप्त करने के लिए। तो इसका मकसद भी यही हो गया, इस डेफिनेशन का मतलब भी यही हो गया कि डिजायर एंड्स को प्राप्त करने के लिए ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन कहलाता है एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है, द वर्ड एडमिनिस्टर डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड प्लस मिनिस्ट्रेयर। एडमिनिस्टर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है, जिसको कि हम तोड़ें तो ये आएगा एड प्लस मिनिस्ट्रेयर। इसका मतलब होता है केयर फॉर, देखभाल करना, लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर्स या लोगों की देखभाल करना, जिससे कि अफेयर्स को जो भी वहाँ पर मामले आ रहे हैं उनको मैनेज किया जा सके। तो ये हो गया एडमिनिस्टर वर्ड का मीनिंग। अब आता है नेक्स्ट नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन मे बी बेस्ट डिफाइंड एज अ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग पर्सनल, पेशेंट केयर एंड फैसिलिटी रिसोर्सेज थ्रू द सपोर्ट ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसीज। तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में नर्सिंग जो पर्सनल हैं उनका मैनेजमेंट, पेशेंट केयर का मैनेजमेंट, और जो भी फैसिलिटी रिसोर्सेज हैं उस पेशेंट केयर से रिलेटेड उनका मैनेजमेंट थ्रू द सपोर्ट ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसी, जो उस एडमिनिस्ट्रेशन में रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन की पॉलिसीज बनी हुई हैं उनके द्वारा। तो ये सब चीज़ें आ जाती है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होता है, मीन्स जो भी इंस्टीट्यूट है उन सब में एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये क्रिएटिव होता है और इनोवेटिव होता है। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ जाता है, इनोवेटिव मीन्स नए नए उसमें चेंजेज होते हैं जो कि बेनिफिट के लिए होते हैं। होलिस्टिक होता है, मीन्स सारी चीज़ें जो मिलकर के एडमिनिस्ट्रेशन को होलिस्टिक बनाती हैं, केवल एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होता ये। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मींस होता है वो वस्तुएं जिनको कि हम छू नहीं सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि ये केवल जो दिखाई और छूई जा रही हैं चीज़ें उन पर डिपेंडेंट है, ये वहाँ की फिलॉसफी, वहाँ के विचार और उन पर भी निर्भर होता है।
कंटिन्यूअस, इसमें लगातार चेंज आते रहते हैं, ये कंटिन्यूअस होता है। गोल ओरिएंटेड, इसका एक ही मकसद होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको अचीव किया जा सके, ये गोल ओरिएंटेड होता है। सोशल एंड ह्यूमन, इसमें समाज का भी रोल होता है और एक व्यक्ति का भी रोल होता है। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायनेमिक होता है, ये एक ही डायरेक्शन में नहीं हो करके डायनेमिक होता है। तो इस तरह से नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, यूनिवर्सल होता है, ये क्रिएटिव और इनोवेटिव होता है, होलिस्टिक होता है, इंटेंजिबल होता है, कंटिन्यूस होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, सोशल एंड ह्यूमन एंड डायनेमिक होता है। नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके पीछे क्या फिलॉसफी होती है एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे, तो एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव इन, एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ में विश्वास करता है। फर्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब है कि कम जो पैसों में कुछ चीज़ हम यदि अचीव करते हैं उसमें फालतू की वेस्टेज नहीं होती, तो वो ही होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एडमिनिस्ट्रेशन का ये बिलीव होता है कि जो भी हम कर रहे हैं, जिस भी एक्टिविटी को कर रहे हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जैसे कि बजट भी कॉस्ट इफेक्टिव रखा जाता है। सेकंड पे है एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान, उस जो भी हम वर्क करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में उसका एग्जीक्यूट कैसे होगा, वो किस तरह से होगा और कंट्रोल कैसे होगा उसमें बीच बीच में। नेक्स्ट आता है डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जो सबॉर्डिनेट हैं उनको, जो सुपीरियर हैं, जो ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन में, वो जो उनसे छोटे पदों पर काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट हैं, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये काम आपको इतने टाइम में फिनिश करना है और इस तरह से फिनिश करना है, और अथॉरिटी भी देते हैं उनको कि जिससे वो उस काम को अच्छी तरह से कर सके। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिलेशंस एंड गुड मॉरल, ह्यूमन रिलेशन अच्छे होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में और गुड मॉरल होना चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट या सुपीरियर या एम्प्लॉय पीयर ग्रुप, सबका कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होने चाहिए। और सिक्स पॉइंट है इसका फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्टेन सिचुएशन, यदि कुछ कंडीशंस ऐसी आएँ जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हो तो वो भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में है एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान्स, डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ह्यूमन रिलेशंस एंड गुड मॉरल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्टेन सिचुएशन। तो आज हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा। तो इसकी डेफिनेशन में मैंने यही है कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, कॉमन गोल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको जो एम्प्लॉई हैं वो ग्रुप एक्टिविटी करके, कोऑपरेटिंग एक्टिविटी करके उसको प्राप्त करते हैं, यही होता है एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर में हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल होता है, क्रिएटिव होता है, होलिस्टिक होता है, इंटेंजिबल, कंटिन्यूस, गोल ओरिएंटेड, सोशल एंड ह्यूमन एंड डायनेमिक होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।